मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेश किए गए अपने बजट में राज्य के 25,000 प्रबोधकों की गैर वित्तीय मांगों को पूरा नहीं करने पर प्रबोधकों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है, जिसका लेकर आगामी 13 मार्च को प्रदेश के सभी 25,000 प्रबोधक विधानसभा का घेराव करेंगे। बजट से पहले प्रबोधकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग रखते हुए कहा कि उनकी संविदा कर्मी के समय की सेवाओं को प्रबोधक कैडर में जोड़ा जाए। जब अन्य राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति के 5 अवसर दिए जा रहे हैं तो प्रबोधकों को भी 5 अवसर देते हुए मुख्यमंत्री अपने बजट में इसकी घोषणा करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ओपीएस स्कीम तो लागू की है, लेकिन राज्य के 90% प्रबोधकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकांश प्रबोधकों की सेवाएं पेंशन योग्य 25 वर्ष नहीं हो रही है। 2008 में नियमित किए गए प्रबोधक इससे पहले भी करीब 15 से 20 वर्षों की अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी इस सेवाओं को प्रबोधक सेवा में जोड़ा जाए, तब ही प्रदेश के 25,000 प्रबोधकों को पूरी पेंशन का लाभ मिल पाएगा। प्रबोधक संघ राजस्थान के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि जयपुर स्थित राजस्थान विधानसभा में 1 मार्च को पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी के द्वारा प्रबोधक कैडर की पदोन्नति को स्पष्ट रूप से द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष वरिष्ठ प्रबोधक पद पर करने की मांग उठाई गई थी। साथ ही जालोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, भादरा विधायक बलवान सिंह पूनिया एवं कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने प्रबोधक पदोन्नति एवं पदनाम परिवर्तन करने तथा अन्य समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए विधानसभा में प्रबोधकों का पक्ष रखा था, लेकिन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इन सभी विधायकों की मांगों का जवाब देते हुए कहा कि प्रबोधक को पदोन्नति देकर वरिष्ठ प्रबोधक बना दिया गया है तथा इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। यह जवाब गैर जिम्मेदारान और प्रदेश के 25,000 प्रबोधकों को मायूस करने वाला रहा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को प्रबोधक विषय की पूरी जानकारी नहीं होने जैसा प्रतीत होता है। प्रबोधक 2008 में ही तृतीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष नियमित राज्य कर्मचारी के रूप में सेवारत हो गए थे तथा समस्त लाभ परिलाभ राज्य कर्मचारी के रूप में मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति का सुधरना वर्तमान सरकार का इससे किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है, यह तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत ने बताया कि प्रबोधकों ने लगातार सरकार से संवाद स्थापित कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई, लेकिन इसके परिणाम शून्य रहे। प्रबोधकों के पास केवल संघर्ष का रास्ता बचा है, जिसको लेकर 13 मार्च सोमवार को प्रदेश के 25,000 प्रबोधक विधानसभा एवं प्रदेश के 200 विधायकों के घर का घेराव करेंगे और अपनी पीड़ा से विधायकों को अवगत कराते हुए मीडिया के माध्यम से जन जागरण भी करेंगे। प्रदेश के 25,000 प्रबोधकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शेखावत ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार पर प्रबोधक कैडर की घोर अपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रबोधक कैडर की सभी मांगों को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह से उपेक्षा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 14 जून 2021 को प्रबोधक से वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नति के लिए 5,000 पद सृजित किए थे, लेकिन उसकी अनुपालना आज तक नहीं हो पाई है, बल्कि पदोन्नति के स्थान पर पदवानति करने का आरोप भी लगाया है। वहीं बजट घोषणा में अनुबंध आधारित सेवाओं को राजकीय सेवा में जोड़ने की घोषणा की गई, लेकिन उससे 25,000 प्रबोधकों को वंचित रखा गया है। शेखावत का कहना था कि प्रदेश में 25,000 प्रबोधकों ने शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश, पैरा टीचर के रूप में लंबे समय तक संविदा आधारित सेवाएं दी है, जिसको प्रबोधक सेवा में जोड़ा जाना अपेक्षित था, जिसे भी गहलोत सरकार ने नजरअंदाज किया है। वहीं वेतन विसंगति निवारण के लिए गठित सामंत कमेटी व खेमराज समिति की रिपोर्ट में भी प्रबोधकों की मांग को नजरअंदाज किया गया है। वेतन विसंगति के कारण प्रत्येक प्रबोधक को प्रति माह 5 से 7 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे प्रदेश के 25,000 प्रबोधकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रबोधक संघ ने केंद्र के समान पेंशन योग्य सेवा को 20 वर्ष करने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने 28 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः पेंशन योग सेवा को केंद्र के समान 20 वर्ष किया जावे। वहीं प्रबोधक संघ की सरकार से मांग थी कि 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के प्रावधान में संशोधन कर 8, 16 और 24 वर्ष पर एसीपी दी जावे।
जिसे भी बजट घोषणा में नजरअंदाज किया गया है। वहीं संघ ने मांग की है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए समस्त प्रबोधक एवं राज्य कर्मचारियों को पूर्व पेंशन का लाभ दिया जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री गहलोत ने 2004 के बाद नियुक्त समस्त प्रबोधक एवं राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सेवा का लाभ देना सुनिश्चित किया था, जिसका लाभ सेवानिवृत्त हो चुके प्रबोधक एवं कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। महामंत्री कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबोधक कैडर के साथ शिक्षा विभाग में लगातार सौतेला व्यवहार होता रहा है। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रबोधक को सबसे नीचे दर्शाकर चुनाव ड्यूटी में भी जूनियर शिक्षक से सीनियर प्रबोधक को PO 3 व 4 लगातार उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सभी प्रकार की प्रतिनियुक्तियों यथा मॉडल स्कूल, मेवात बालिका विद्यालय, विवेकानंद मॉडल स्कूल, समग्र शिक्षा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों, कस्तूरबा हॉस्टल एवं जनजाति छात्रावासों से वंचित करके भेदभाव किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। कौशिक ने कहा है कि सरकार यदि संघ से तत्काल वार्ता कर मांगों का सकारात्मक हल नहीं निकालती है तो संघ अपनी मांगों के समर्थन में विधानसभा पर 13 मार्च सोमवार को एक दिन का धरना प्रदर्शन एवं विधानसभा तथा विधायकों का घेराव करेगा और मांगे नहीं माने जाने पर संघ शिक्षा संकुल पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर होगा।